मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे जिस्म के हर हिस्से में हिंदुस्तान लिख देना। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत इस न्यूज बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं, हम आपको लिए चलते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो किया गया। इस रोड शो के दौरान हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए, और प्रधानमंत्री ने भी नब्ज टटोलने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश के लोग किस हद तक उन्हें प्यार करते हैं। और आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ प्रधानमंत्री के काफिले के इर्द गिर्द लोग खड़े थे और लोगों ने फूलों की बारिश करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के 4 महीने के बाद आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि मेयर परिषद के सदस्यों की घोषणा की जाएगी। आखिरकार कल यानी बुधवार को मेयर विधान उपाध्याय ने घोषणा कर दी कि कल यानी आज मेयर परिषद के 5 सदस्यों की घोषणा की जाएगी। और आज घोषणा कर दी गई, 5 सदस्यों ने शपथ भी लिए। इन 5 सदस्यों को विधान उपाध्याय ने शपथ दिलवाया और इनके साथ एक मीटिंग भी की। इन 5 मेयर परिषद सदस्यों में शामिल हैं इंद्रानी मिश्रा, सुब्रतो अधिकारी, दिवेंदु भगत, मानस दास और गुरुदास चैटर्जी। इन 5 लोगों ने आज शपथ लिया और शपथ लेने के बाद समर्थकों में काफ़ी खुशी देखी गई। तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने 5ों का अभिवादन किया, 5ों का पुरजोर तरीके से स्वागत किया और इसके बाद मेयर विधान उपाध्याय ने इन 5ों के साथ एक मीटिंग भी की। इन दृश्यों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 5ों के साथ मेयर विधान उपाध्याय ने मीटिंग की और मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर खासतौर से चर्चा की गई। আজকে 5 জন নিয়েছে, সুব্রত অধিকারী, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ইন্দ্রাণী মিশ্র, মানস দাস, দীপেন্দু ভগত। 7 জনের হবার কথা, আজকে 5 জন কেন? 7 জনের হওয়ার কথা এরকম কোন সিস্টেম নেই, মানে 5 জনই কি ফাইনাল? আগামী দিনে আমরা 9টাও করতে পারি, সেটা ব্যাপার না। এখন 5 জন হয়েছে, আগামী দিনে আবার হবে। তাহলে দপ্তর কি দেওয়া হয়েছে? না না, দপ্তর পরে দেওয়া হবে। গুরু চেয়ারম্যানদের এখনো নাম ঘোষণা করা হয়নি, এতদিন কেটে গেল। মানে এতদিন প্রশ্ন ছিল যে মেয়র পরিষদ হচ্ছে না কেন, আজকে মেয়র পরিষদ হয়ে গেল তো আবার কয়েকদিনের মধ্যে এটাও বন্ধ হয়ে যাবে যে গুরু চেয়ারম্যান লেট কেন। ডেপুটি মেয়র তাড়াতাড়ি হবে, সবগুলোই খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আজকে যেমন হয়েছে আগামী দিনে তাড়াতাড়ি হবে। এবার হয়তো 9টা হতে পারে।
ডেপুটি মেয়র নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করেছেন? দুজন ডেপুটি মেয়র এখন সাপোর্ট করছেন, চিন্তা ভাবনা রয়েছে সব পরপরই হয়ে তাড়াতাড়ি। বোরো চেয়ারম্যান না থাকায় উন্নয়নে কোনো বাধা হচ্ছে কাজ করতে গিয়ে একটু দেরি বিফল? সে তো মানে দায়িত্বটা ভাগ হয়, দায়িত্বটা ভাগ হয়, কাজ মানে এক এক জায়গায় এক একজনকে রেখে কাজটা করা যায়। এটা তো আমরা মানে আমাদের পুরো এই টিমটাই পুরো দৌড়ে বেড়াচ্ছে, চারদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। ওটা হয়ে গেলে আরো সুবিধা হয়ে যাবে, কাজগুলো হচ্ছে কিন্তু কাজগুলো ওরা কাছাকাছি থেকে দেখে নিতে পারবে। একটা কথা শোনা যাচ্ছে যে মানে এখন আর বলা মানে হাইলাইট হওয়ার কোন কোথাও জায়গা নেই, তাই এবারে কোর্টের ভয়ে। এটা আগে আমাদের একটু আগে চেয়ারম্যান স্যার বলছিলেন যে গত ফেব্রুয়ারি মার্চে এমপি ইলেকশনটা ছিল, প্লাস ভারতবর্ষে যেভাবে বিভিন্নভাবে যেভাবে চারিদিকে একটু মানে অন্য পরিবেশ তৈরি হচ্ছে তাতে একটু লেট হয়েছে। লেট আজ যেটা পাঁচজন হলো, আগামী খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে বাদবাকিগুলো হবে। বিরোধীদের অভিযোগ মানে বিরোধী দলনেত্রীর অভিযোগকে ইনস্টলমেন্টে ভাগ করা হচ্ছে, গঠন করা হচ্ছে ভোট। ওরা নিজেরা যেটা সেটাই ভাবছে, কারণ ওরা পশ্চিমবঙ্গে ভাবছিল যে মানে আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে দখল করবে, সেটা দেখছে এখন এখনো পর্যন্ত হয়নি, তাই নিজেদেরটা অন্যদেরকে চাপানোর পর প্রতিকার করছিল। पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों से हमारे पास खबर आ रही है कि हायर सेकेंडरी की परीक्षा में फेल हुए विद्यार्थियों में काफ़ी निराशा पसरी हुई है और निराशा के आलम में ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें फिर से मौका दिया जाए, उन्हें पास कर दिया जाए। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जामुड़िया अंचल से हमारे पास एक खबर आ रही है, जामुड़िया के हिंदी हार्ट हाई स्कूल, श्रीपुर हिंदी हार्ट हाई स्कूल के HS में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों ने आज प्रदर्शन किया। यहाँ पर 188 की तादाद में विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं HS की परीक्षा में, जबकि इनका कहना है कि कोविड के दौरान इन्होंने परीक्षा की तैयारी नहीं की, पढ़ाई नहीं हुई, इसके बावजूद भी ये लोग परीक्षा में बैठे, लेकिन आखिरकार इन्हें फेल कर दिया गया। इस तरह से इनमें काफ़ी निराशा पसर चुका है। हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की इन विद्यार्थियों से। फिर हम लोग से एग्जाम ले, अब सर क्या बोल रहे हैं कि ये हम लोग को फेल कर रहे हैं सब, और हम लोग का पास मार्क्स है 270% नंबर है, फिर भी हम लोग को फेल कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों हो रहा है? आपका नाम? मेरा नाम जानकी कुमारी है। हम लोग यहाँ पे श्रीपुर हाड़ा स्कूल के स्टूडेंट है, मेरा नाम मोहम्मद अनिस, क्लास 12 का भर्ती हूँ मैं। हम लोग को सर डेफिनेटली यही बात बोले थे कि बाबू तुम लोग एग्जाम दो, रोल नंबर डाल दो, क्लास डाल दो, कुछ भी डाल दो, मतलब कुछ भी पेपर तुम लोग को देना है कन्वर्ट, तुम लोग पास मार्क्स होके तुम लोग को रिजल्ट निकल जाएगा, ऑटो जाएगा, सारे स्टूडेंट को पास किया जाएगा। उसके बावजूद ना हम लोग को दो साल से ना ही एग्जाम हुआ, ना ही हम लोग को पढ़ा हुआ, ना ही हम लोग को बुक मिला। ऊपर से सर कॉल करके यही बात बोले कि तुम लोग फाइल प्रोजेक्ट है ना जो होता है वो तुम लोग स्कूल पे जमा करो, हम लोग पास करवा देंगे। बोला या नहीं बोला? ऑल पास करवा देंगे हम लोग, नंबर भी हम लोग को कट हुआ है। ऊपर से जो जो अभी भी स्टूडेंट है यहाँ के जो इंसान अभी तक लिखने नहीं आता, जो पढ़ने नहीं आता, उन लोगों को पास किया गया, हम लोग को क्यों ऐसा किया गया, हम लोग को क्यों फंसाया गया, हम लोग क्यों मतलब पास नहीं किया, हम लोग रीजन ये है।
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। स्वच्छता पखवाड़े शुरुआत आज से हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे ईसीएल के सीएमडी अंबिका प्रसाद पंडा। उनके साथ दूसरे अधिकारियों ने भी यहां उपस्थिति दर्ज कराई और सभी अधिकारियों ने और विशेषकर जो भी महाप्रबंधक थे और दूसरे आला अधिकारी सभी ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। बढ़ते सड़क हादसे को देखते हुए आज पुरुलिया के नितुरिया थाने की तरफ से वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और इस वाहन चेकिंग अभियान के दौरान लोगों के हेलमेट चेक किए गए, लोगों के लाइसेंस चेक किए गए और उन्हें यह बताया गया कि बगैर हेलमेट के अगर आप चलते हैं तो आपके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि इस तरह से नितुरिया पुलिस की तरफ से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आसनसोल रेलवे स्टेशन से एक फर्जी स्टेशन मास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम तन्मय कर बताया जा रहा है, तन्मय कर यहाँ दुकानदारों से मुफ्त में चीज़ें मांग रहा था। इसका विरोध करने पर उन्होंने कहा कि मैं रेलवे का अधिकारी हूँ, मैं पानागढ़ रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूँ। इस तरह से वह धौंस जमाने की कोशिश कर रहा था। तभी दुकानदारों ने इसकी सूचना आरपीएफ के जवानों को दी और आरपीएफ के जवानों ने आकर इसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पता चला कि इसका जो परिचय पत्र है ये बिल्कुल नकली है और इसकी जब शिनाख्त की गई, जब इसकी जांच की गई तो पूरी तरह से फर्जी निकला। ये रेलवे का अधिकारी जो अपने आप को पानागढ़ का स्टेशन मास्टर बता रहा था, ये तन्मय कर इसका नाम लिखा हुआ था और ये भी लिखा हुआ था कि इसे जो कार्ड इशू किया गया है, इस कार्ड को सीनियर डीपीआरओ ने इशू किया है आसनसोल रेल मंडल का। इसकी जब जांच की गई तो पूरी तरह से ये फर्जी पाया गया और बाद में इसे आसनसोल दक्षिण पुलिस को सौंप दिया गया। तुम्हारे घर में कौन कौन है? कौन कौन बताओ, कौन कौन भत्ते भाई कौन बताओ तो नहीं, तुम और गलत ज्यादा क्राइम नहीं किया है तो फ्रॉडी नेचर ही वही काम ही करता हो।
बहुत बड़ा स्टेशन मास्टर का काम कितना महीना से काम करते हैं? स्टेशन मास्टर का काम करते हैं? कहाँ का स्टेशन मास्टर आए तुम? सर हम तो अपने स्वीकार कर लिए। तुम कहाँ कहाँ का है स्टेशन मास्टर? कहाँ का है? कहाँ का है? कितने महीने से कर रहे हैं काम? सर छः महीने से। स्टेशन मास्टर परिचय क्या देता था अपना? ऐसे बोले थे क्यों कर रहे थे आप? पैसा नहीं चलता सर, मैं मम्मी बोलते सरकारी नौकरी नहीं हो रहा, सरकारी नौकरी नहीं हो रहा और पड़ेगा उसी के चलते मेरे मम्मी बोलते सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहा सिंह जी पूरा कर्मी